मुल्क भर में ईद उल फितर जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात हुए हैं। सबसे बड़ा इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में हुआ, जहां सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफीरों ने भी नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। फलस्तीन के मजलूम अवाम के लिए खसूसी दुआएं की गई। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर में आज ईद की नमाज के बाद पूरे तमाम तर सियासतदान और समाजी कारकुनान की जानिब से पूरे मुल्क और कौम को आज ईद की मुबारकबाद पेश की गई है, और ऐसे में आज हमारे मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को भी दुआओं में याद किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं की। सदर मुमलिकत लोगों से ईद मिले मुबारकबाद भी पेश की। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर दूसरों के साथ खुशियां बांटने और माशरे के महरूम तबकात के लिए एहसार और कुर्बानी का दिन है। ये दिन हमें बहैसियत कौम रुकावटों को दूर करने, ज़रूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने और सबके लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए काम करने का पैगाम देता है। कौम अपने कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। आलमी बरदारी गजा में फौरी जंगबंदी करें। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रबता हुआ। आसिफ अली जरदारी ने ईद की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत और वजीर आजम ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।